बाजार जैसे रसीले गुलाब जामुन को हर कोई बनाना चाहता है। काफी लोगों का ये कहना है गुलाब जामुन बनाते टाइम गुलाब जामुन ठीक से फ्राई नहीं हो पाते और फूटने लग जाते हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अगर जवाब है हाँ, तो आप लोगों की इस परेशानी को दूर करते हुए मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट और इजी टिप्स के साथ गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले इसकी चाशनी की तैयारी करनी होगी। तो एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे लगभग 2 गिलास पानी। यहाँ पर मैं 10 से 12 गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी का रेशो तैयार कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी लगभग 1.5 कप चीनी। गुलाब जामुन की चाशनी को फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें कुटी हुई इलायची की कुछ पत्तियाँ। इलायची के कुछ दानों को निकाल के मैंने एक बॉल में रख लिया है। इलायची के कुछ दाने गुलाब जामुन के डो को फ्लेवरफुल बनाने के लिए काम आएंगे। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लगभग 1 चम्मच गुलाब जल। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब पानी और चीनी को 10 मिनट के लिए बॉईल करें। जब चीनी और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए, गाढ़ा हो जाए, और इसकी चाशनी बनाकर तैयार करें। गुलाब जामुन का डो तैयार करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गीस्ट कंपनी का गुलाब जामुन का मिक्सचर। आम भाषा में इसको सीमा पाउडर के नाम से भी काफ़ी लोग जानते हैं। गुलाब जामुन को कैसे तैयार करना है पैक के पीछे मेंशन किया हुआ है। अब इस पैक को खोलना है और इस मिक्सचर को एक बर्तन में डाल देना है। मेरे पास लगभग ये 250 ग्राम का पैक है और इतने से ही पैक में मैं मीडियम साइज के गुलाब जामुन बनकर एकदम रेडी हो जाएंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप किसी भी कंपनी का गुलाब जामुन का मिक्सचर ले सकते हैं। ये प्रीमिक्स का मिक्सचर होता है और ये कंप्लीट पैक भी होता है। इसमें ना तो आपको बेकिंग पाउडर मिलाने की ज़रूरत है और ना ही बेकिंग सोडा। बस इस मिक्सचर को एक बॉल में निकाल लें। मेजरमेंट के कप से आप 1.5 कप इसमें दूध ऐड करें। मिक्सचर का डो बनाने के लिए मैंने गुनगुने दूध का इस्तेमाल किया है। इस मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए इसका नरम डो तैयार कर लेना है। जब डो तैयार हो जाए तो इसको लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देना है। इस तरीके का डो तैयार कर ले, अब इसको रेस्ट करने के लिए रख दें। अब देखिए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, चाशनी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। चाशनी को किस तरीके से तैयार करना है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। जब चीनी और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए, जब ये लिक्विड गाढ़ा हो जाए, तो इसको उंगली की सहायता से एक बार इस तरीके से चेक करके देखना है। चाशनी को तार बनने से पहले ही गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इस गर्म चाशनी में ही चाशनी को थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए और इसको कलर देने के लिए इसमें चुटकी भर केसर का इस्तेमाल करेंगे। अब चाशनी को थोड़ा ठंडा होने दें। अब चलते हैं डो से बॉल्स बनाने की तैयारी करने। हथेली को एक बार रिफाइंड ऑयल या घी से ग्रीस कर लें और एक बार फिर इसको अच्छे से मैश कर लें। जब डो में से ग्लूटेन रिलीज होने लग जाए तो जितनी बड़ी साइज आपको गुलाब जामुन के लिए चाहिए उतनी बड़ी साइज के बॉल्स तैयार कर लें। जब इसके बॉल्स तैयार करने हों तो एक बात का जरूर ध्यान रखें, बॉल्स को तैयार करने से पहले हाथों को एक बार फिर अच्छे से ग्रीस करें। हथेली जब ग्रीस हो जाए तो इसके बॉल्स को दबाते हुए ग्लूटेन को निकालें और इसको शेप देते हुए बिना क्रैक्स आए शेप तैयार करें। इससे ये होगा कि गुलाब जामुन दिखने में तो अच्छा ही लगेगा, अगर इसमें क्रैक्स नहीं होंगे तो ये जल्दी फूटेगा भी नहीं। बस इतनी सी चीज ही आपको ध्यान रखनी है। बस इसी तरीके से सारे बॉल्स को तैयार कर लेना है। बॉल्स को तैयार करते समय एक चीज का और ध्यान रखें, बॉल्स को तैयार करते समय इनको हवा में ना रखें या फिर इसको सूती कपड़े से ढककर रखें। सारे बॉल्स बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। इसको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। घी से गुलाब जामुन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी को मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। इसको फ्राई करते टाइम ये ध्यान रखना है घी या ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो,
नहीं तो गुलाब जामुन बहुत ही जल्दी ब्लैक हो जाएगा और ये अंदर तक फ्राई नहीं हो पाएगा। बस इतनी सी चीज़ ही आपको याद रखनी है। मीडियम लो के फ्लेम पर वन बाय वन घी में फ्राई होने के लिए मैंने बॉल्स को डाल दिया है। बहुत ही सावधानी के साथ इस तरीके से ऑयल को घुमाएंगे। जब बॉल्स हल्के से फ्राई हो जाएं, तो इसको तुरंत ही पलटने लग जाएं। अगर इसको पलटेंगे नहीं तो एक साइड से इसका कलर डार्क और एक साइड से लाइट हो जाएगा, इसलिए इसको हल्के हाथों से पलटते हुए फ्राई कर लेना है और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये गुलाब जामुन हल्के हल्के फ्राई होने लग जाएंगे तो अपनी साइज से और भी बड़े होते जाएंगे। बस इसी तरीके से आप छोटे या बड़े साइज के गुलाब जामुन बनाकर एकदम तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में और बिना फूटे। देखिए सारे गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और ये ब्राउन कलर में आ गए हैं। इनको फ्राई करने के बाद तुरंत ही आपको ये करना है, इन बॉल्स को कढ़ाई में से निकालना है और तुरंत ही इसको गुनगुनी चाशनी में डाल देना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि चाशनी ज़्यादा ठंडी ना हो, नहीं तो गुलाब जामुन को चाशनी अब्जॉर्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इन गुलाब जामुन को लगभग 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें और लगभग 3 घंटे बाद ये रसीले गुलाब जामुन बनकर एकदम तैयार हो जाएंगे। और इस गुलाब जामुन को लगभग 1 से 2 हफ्ते के लिए आप स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये गुलाब जामुन खाने में बहुत ही रसीले और बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं। त्यौहार खत्म होने के बाद भी अगर आप लोगों का गुलाब जामुन खाने का मन हो तो बहुत ही आसान तरीके से इस गुलाब जामुन को बनाकर ज़रूर खा सकते हैं। अगर आपको मेरे गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।